Bismillahir Rahmanir Rahim. अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तेरे से ही मदद मांगते हैं मौला। गुजरांवाला गुजरांवाला 21 साल मैं क्रिकेट खेला लेकिन कभी क्रिकेट स्टेडियम में मैंने इतने ज्यादा लोग नहीं देखे। बल्कि मुझे तो यही अंदाजा नहीं था कि गुजरांवाला में इतने ज्यादा लोग हैं। इस शानदार इस्तकबाल का, आपके जज्बे और जुनून का, गुजरांवाला पहलवानों का शहर, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। माशाल्लाह मेरा गुजरांवाला इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयार है। गुजरांवाला ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ये इंकलाब आ रहा है। सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े माफिया एक तरफ खड़े हो गए और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मेरी कौम दूसरी तरफ खड़ी हो गई है और इसको इनकलाब कहते हैं कि जब एक कौम बन के ये बड़े बड़े माफियाज जो एक करप्ट सिस्टम से लोगों का खून चूसते हैं, जब एक कौम बन के हम इनका मुकाबला करते हैं और इंशाल्लाह इनको बुरी तरह शिकस्त देंगे। गुजरांवाला जरा मुझे फिर से हाथ खड़ा करके बताओ कि तुम, जब मैं आपको इस्लामाबाद कॉल दूंगा, क्या आप तैयार हो? माशाल्लाह। और आपको पता है कि मैं आपको क्यों इस्लामाबाद बुला रहा हूं? पाकिस्तान की हकीकी आजादी की जंग लड़ने एक अमेरिकी साजिश के तहत पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकुओं को इकट्ठा करके उन्होंने पाकिस्तान की 22 करोड़ लोगों की मुंतखिब की हुई हुकूमत को गिराया। साजिश के तहत मेरी कौम आज ये बता दे, पहले ये बताना मुझे कि मैं आपसे पूछूंगा ये साजिश थी या मुदाखलत थी। पहले हाथ खड़ा करके बताएं कि कौन समझता है ये साजिश थी। माशाल्लाह नौजवानों, आपके शऊर को मैं सलाम पेश करता हूं। पहले साजिश होती है और उसके बाद मुदाखलत होती है, और ये कोई भी नहीं सोच रहा था, ये समझ रहे थे कि जब भी यहां प्राइम मिनिस्टर को निकाला जाता है तो मिठाइयां बांटी जाती हैं। ये कोई भी नहीं सोच रहा था कि जब इस प्राइम मिनिस्टर को साजिश के तहत निकाला गया
तो बजाय मिठाइयां बांटने के मेरी कौम पाकिस्तान की सड़कों पे निकलाई। जिंदा कौम है, जिंदा आजाद कौम है। और इसलिए मैं आपको दो वजह से इस्लामाबाद बुला रहा हूं। एक कि अमरीकी साजिश को नाकाम करना, और दूसरी वजह यह कि मुल्क के बड़े बड़े डाकू, कातिल, लुटेरे, मंशियात फरोश, इन सारों को जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, सारी कौम ने मेरे साथ निकलना है, सारी कौम ने मेरे साथ निकलना है। मैं अपनी सारी कौम को सिर्फ एक वजह से इस्लामाबाद बुला रहा हूं कि सारे साजिश करने वाले लोगों को हम बताएंगे कि हम एक जिंदा और आजाद कौम है। गुजरावाला माशाल्लाह, फिर मैं कहूंगा मुझे पता ही नहीं था कि गुजरावाला में इतने ज्यादा लोग हैं। माशाल्लाह, गुजरावाला जरा दो मिनट थोड़ी खामोशी से आपने मेरी बात सुननी है। वो ये कि जब हमारी हुकूमत हटाई गई, गुजरावाला ये जरा सुनो, पाकिस्तान की तारीख में सबसे तेजी से हमारे मुल्क की दौलत में इजाफा हो रहा था। कैसे दौलत में कैसे इजाफा होता है? जो मुल्क बाहर एक्सपोर्ट करता है, जो मुल्क को बाहर से आमदनी आती है, वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हमारे दौर में हुई पिछले एक साल में, 9 महीनों में 26% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ी। और गुजरावाला में छोटे छोटे सनतकार, उनको पता है कि बड़ी देर के बाद पाकिस्तान की इंडस्ट्री उठनी शुरू हुई। अय्यूब खान के दौर के बाद 2 सालों में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की सनत में इजाफा हुआ, 11% और 10.6%। उसके अलावा बाहर से, और मैं सलाम करता हूं अपने बिरून मुल्क पाकिस्तानियों को, $31 अरब की उन्होंने बाहर से रिमिटेंसेस भेजी, ये भी रिकॉर्ड था। और फिर पाकिस्तान की तारीख में हमने सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया, और उस टैक्स की वजह से, क्योंकि हमने ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया, हमने अपने मुल्क में अपने लोगों को पेट्रोल भी कम किया और फजल रहमान को भी कम किया। हमने अपने लोगों पे बोझ कम किया। जब दुनिया में तेल सबसे महंगा, हर दुनिया के अंदर मुश्किल, महंगाई आलमी सतह पे रिकॉर्ड महंगाई, हमने कोशिश की अपने लोगों के ऊपर कम बोझ डालें, अवाम से पैसा इकट्ठा करके अवाम पे खर्च किया। हमने अपने किसानों की मदद की, किसानों को जो शुगर माफिया पैसे नहीं देता था, हमने शुगर माफिया से पूरी कीमत ली, अपने किसानों को दी,
टाइम पे पैसा दिया, किसानों ने जमीन पे लगाया, उनको अच्छी पैदावार की कीमत हुई, आमदनी बढ़ी। हमारे दो सालों में सबसे ज्यादा किसानों की खुशहाल वक्त गुजरा। पांच गन्ना, पिछले साल गंदम, चावल, आलू, मकई, सबकी रिकॉर्ड, सब रिकॉर्ड हमने फसलें पैदा की, किसानों में खुशहाली आई। और उस वक्त जबकि सारी दुनिया में कोरोना की वजह से गुर्बत फैल रही थी, तबाही मची हुई थी, हिंदुस्तान में उनकी मईशत तबाह हुई, उस दौर में हमने अपने मुल्क में लोगों को उठाया, कोरोना से बचाया। और पाकिस्तान वो मुल्क है सारे बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा रोजगार पाकिस्तान में हुआ, अपने नौजवानों को रोजगार दिया, कंस्ट्रक्शन को उठाया। तो जब हमारा मुल्क सही रास्ते पे जा रहा था, गुजरांवाला के लोगों, मेरे नौजवानों, सवाल ये पूछो कि इन डाकुओं ने अमेरिका की साजिश में मिलके तब इन्होंने हुकूमत कराई। अब सवाल ये है कि शहबाज शरीफ, मेहनत तो तुमने बड़ी की, बड़े बड़े जूते पॉलिश किए, अमरीकनों जो अमरीकी एम्बेसी से आता था उसके जूते पॉलिश, एक दफा वो अमरीकी एम्बेसी से खातून आई, मरियम ने उसको अपने घर बुलाया, उसको गाड़ी से दरवाजा खोल के अंदर लाई, और जिस तरह वो चल रही थी उस अमरीकी एम्बेसी की खातून से, सिर्फ एक ही कसर रह गई थी कि वो उसके सामने लेट गई और कहे मेरे ऊपर से चल के जाओ ताकि जूते ना गिरे। तो अब मैं ये शहबाज शरीफ, शरीफ खानदान, और जो आजकल सबसे खुश फिर रहा है, दांत निकले हुए हैं जिसकी आसिफ जरदारी, जरदारी जिसको पैसे की बीमारी है, वो बड़ा खुश है कि सारी गालियां शहबाज शरीफ को और नून लीग को, वो आराम से सेंटर में भी बैठा हुआ है, सिंध भी संभाला हुआ है, पैसे भी बना रहा है, और गालियां शहबाज को और नून लीग को पड़ रही हैं। वाकई जरदारी तुम नून लीग पे भारी हो, तुम इनके अच्छा तुम इनसे बदला ले रहे हो। लेकिन शहबाज शरीफ, चेरी ब्लॉसम, अमेरिकी एम्बेसी के बूट, और फिर जब वो एक फौजी बूट देखता है, फौजी बूट देखता है तो ऐसी पॉलिश करता है कि अपनी शक्ल नजर आनी शुरू हो जाती है बूट में। तो शहबाज शरीफ पहुंच तो गए वहां, वजीर आजम तो बन गए, अब शहबाज शरीफ वजीर आजम बन के कहता है हुन की करा मैं, पता नहीं चल रहा क्या करे, रुपया गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिर रहे हैं। तो पहुंच तो गए, तो शहबाज शरीफ बड़ा शौक था अचकन सलाने का, अब बताओ, अब लोगों को जवाब दो। उधर भाई साहब वहां बैठा हुआ है भगौड़ा, सजायाफ्ता, झूठा, बुजदिल, दूसरी तरफ मुल्क छोड़ के भागा है। अब ये दोनों भाई सोच रहे हैं कि करें क्या,
ये दोनों भाई गुजरांवाला के लोगों, ये आज सोच रहे हैं कि अब करें क्या, फंस गए। आगे इनके समुंदर है और पीछे इमरान खान खड़ा है। आगे जाते हैं तो समुंदर, पीछे जाते हैं तो सारी पाकिस्तानी आवाम को लेके इमरान खान खड़ा है पीछे। और ये मेरी आज पेशन को ही सुन लो नून लीग वालों, ये अब आप जो बचते रहे हैं इतनी देर, आपको बचाते रहे हैं लोग इस मुल्क में, हर वक्त आपको बचाया गया है। 30 साल से चोरी कर रहे थे, 12 अरबों रुपए की, बड़े बड़े महलात, बेटे बाहर, मुंशी सागदार बाहर, उसके बच्चे बाहर, शहबाज शरीफ का दामाद बाहर, बेटा बाहर, और पॉलिटिक्स पाकिस्तान में। क्या पाकिस्तान मिला है? यहां से लूटो और पैसा बाहर ले जाओ। तो 30 साल से जो जुल्म कर रहे थे, दोनों भाई कान खोल के सुन लो, हर डाकू का वक्त आ जाता है, उसका वक्त आ जाता है, तुम्हारा वक्त आ गया। इंशाल्लाह इस्लामाबाद में अपनी आंखों से देखोगे, एक आवाम का समुंदर आएगा और तुम सबको ले जाएगा। गुजरांवाला शहबाज शरीफ से जब लोग पूछते हैं कि मियां साहब है की कीता, फसा देता है सानू, तो शहबाज शरीफ ये करने की कोशिश कर रहा था। सुने जरा, इसको क्यों जल्दी थी अचकन सलाने की? क्योंकि इसका FIA में केस था, 24 अरब रुपया इन्होंने जो चोरी किया था वो FIA में इसको सजा होने वाली थी। तो सजा से बचने के लिए इसने कहा बेहतरीन तरीका ये है कि बाहर की साजिश हो, साजिश और अंदरूनी लोगों को साथ मिला के मैं अगर वजीर आजम बन जाऊंगा तो मेरे FIA के केस नहीं होंगे। शहबाज शरीफ गलत फहमी में ना रहना, हमने तुम्हें नहीं छोड़ना। डॉक्टर रिजवान जो हार्ट अटैक से मरा, जो तुम्हारा जिसने केस किया, फिक्र ना करो, या FIA में और बड़े बड़े जबरदस्त इन्वेस्टिगेटर्स हैं, तुम्हारा टाइम दूर ज्यादा दूर नहीं, जैसे ही तुम जाओगे इन्वेस्टिगेशन उधर से ही शुरू होगी और तुम्हारे से हम पैसे भी निकालेंगे और तुम्हें जेल में भी डालेंगे। तो गुजरांवाला फिर बताओ, इस्लामाबाद के लिए तैयार हो? माशाल्लाह, जिंदा कौम है, जिंदा कौम। तो मैं एक हमने बड़ी मुश्किल से, बड़ी देर के बाद, 30 साल के बाद हमारी असेंबली चल रही थी डीजल के बगैर, अब ये फिर डीजल को लाने लगे। तो गुजरांवाला सबसे पहले तो मैं आपके सामने, मैं भूल गया, पहले मुझे बात करनी चाहिए थी, मुझे सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन पेश करना जरूरी है कि आपने लोटों को फारिग कर दिया।
गुजरावाला, चले यहां से तो गुजरावाला से तो कोई लोटा नहीं हुआ, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन परसों मैं मुल्तान जा रहा हूं, मुल्तान से बड़े लोटे हुए, जनूबी पंजाब से बड़े लोटे हुए, मैं परसों जा रहा हूं उधर और मैं इंशाल्लाह इन लोटों का बंदोबस्त करने जा रहा हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, आपका शुक्रिया कि आपने जमीर फरोशों को, जिन्होंने अपने मुल्क से, अपनी जमहूरियत से, अपने हलके के लोगों से जिन्होंने गद्दारी की, शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट के, तुमने इनको फारग भी किया और जलील भी किया। तो गुजरावाला, जब सबने मिलके मेरी हुकूमत गिराई, और वाकई मेरे से एक सहाफी ने पूछा, उसने कहा जी कौन कौन वो शामिल थे आपकी हुकूमत गिराने में, तो मैंने उसे सवाल पूछा कि कोई बच गया है, कोई रह गया? सब एक तरफ चले गए। मैं भी वैसे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इतने ज्यादा लोगों को और माफियाज को, सबको इकट्ठा होके मुझे गिराया उन्होंने। तो मैं जब घर आया, मैंने सोचा कि लोग मिठाइयां बांटेंगे, लोग हमेशा मिठाइयां बांटते हैं जब हुकूमत जाती है, लेकिन जो उसके दूसरे दिन जो मैंने देखा, पहले सोशल मीडिया में कि मीडिया ने हमें ब्लैकआउट किया हुआ था, मैंने सोशल मीडिया पे देखा, और उस दिन मैंने हाथ उठा के अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने कहा अल्लाह तूने मेरी कौम को जगा दिया है। वजारत उज़्मा तो उसके सामने कुछ नहीं है, उसको तो अपने जूते की नोक पे रखता हूं, इससे बड़ा अल्लाह क्या अपना कर्म कर सकता है कि वो एक कौम को शऊर दे दे, जगा दे, जो कौम को इकट्ठा कर दे, लोगों को एक कौम बना दे। हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये कौम, ये याद रखे पाकिस्तानियों, जब हम एक कौम बन जाएंगे, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा कर्जे वापस करने में। एक कौम के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, कोई मुश्किलात नहीं होंगी। जिस तरह जब सैलाब आया था 2010 में, सारी कौम ने मिलके पैसे लिए, बाहर से लोगों ने, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे, कौम ने मिलके, हमें कोई बैरून मुल्क इमदाद की जरूरत नहीं पड़ी, हमने मिलके अपने मुल्क को खड़ा किया। इसी तरह इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम खड़ा करेंगे। मेरी जब से 26 साल पहले जब मैं सियासत में आया था, मैंने एक चीज कही थी, मैंने अपनी कौम से वादा किया था कि ना कभी मैं किसी के सामने झुका हूं, ना कभी आपको किसी के सामने झुकने दूंगा। तो गुजरावाला, जब मैं इस्लामाबाद बुलाऊंगा, मैं अपनी बहनों को भी आज दावत देता हूं, आपने भी आना है, फैमिलीज ने भी आना है, बच्चों ने भी आना है। जिस तरह तहरीक पाकिस्तान में मेरी वालदा भी शामिल थी, मेरा वालिद भी शामिल था, सब शामिल थे,
ये हकीकी आजादी के लिए आप सबने निकलना है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये वो पाकिस्तान बनेगा जो कायदे आजम की जो उनकी जदोजहद थी और मेरे नजरियाती कायद इल्लामा इकबाल की ख्वाब थी। ये वो पाकिस्तान बनेगा जो अपने नारे पे खड़ा होगा, जो नारा था जब पाकिस्तान बनने जा रहा था, और वो नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, और ला इलाहा इल्लल्लाह। ए अल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय तेरे, अल्लाह के अलावा कोई नहीं झुकने वाला जिसके सामने हम झुके। कोई अमेरिका के सामने नहीं हम झुकते, कोई दुनिया की सुपर पावर के सामने हम नहीं झुकते, क्योंकि हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे लीडर हैं, हमेशा रहेंगे और हम उनकी उम्मत हैं। इसलिए मेरे गुजरांवाला के लोगों, मुझे आज जिस तरह आप आए, जितनी तादाद में आए, जिस जुनून में और जज्बे में मैंने आपको आज देखा है, मुझे आज कोई शक नहीं कि इंशाल्लाह इसी महीने इस्लामाबाद में हम अपनी हकीकी आजादी की जंग जीत के एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। अपनी सारी गुजरांवाला की टीम, आपको आज खराज तहसीन पेश करता हूं। सबने बड़ा काम किया, अपने काफले लेके आए, अभी से तैयारी कर लो इस्लामाबाद की। आपको टिकट मिलेंगे तब जब मैं आपकी सारों की हकीकी आजादी मार्च के परफॉर्मेंस देखूंगा, फिर इंशाल्लाह आपको टिकट दूंगा। और गुजरांवाला नौजवानों, आखिर में फिर से बता दो, डरोगे तो नहीं, गर्मी तो नहीं लगेगी, कोई पहले मैं कहने लगा था कि पुलिस आपको रोकेगी, अब तो पता चला है कि हमजा को अपनी अचकन उतारनी पड़ रही है, इसलिए पुलिस की कोई फिक्र नहीं है, अब तो पुलिस भी आपकी मदद करेगी, बल्कि पुलिस वाले अपने घर वाले आपके साथ भेजेंगे इस्लामाबाद, पुलिस वाले नहीं भेजेंगे, जो सरकारी नौकर है उनके भी घर वाले आ रहे हैं हमारे साथ। और मुझे इतना पता है कि मेरी फौज की फैमिलीज भी हमारे साथ इंशाल्लाह इस्लामाबाद आएंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।